बहुत दबंग है, गुंडे टाइप के हैं, हमेशा हड़काते रहे कैसे पीछे हट जाओ, जाति सूचक तुम अपने समाज में क्यों नहीं जाते, ये शब्द का शिकार करते आ रहे हैं। और इसी वजह से ये हर हफ्ते जब भी आता किराया लेने, रोज की तो शराब पीते हैं इनके घर में जाकर और मीटिंग करते हैं, और हर 30 से 14 दिन गली में आकर घर के सामने जाति सूचक शब्द बोल कर कि कब घर खाली करेगा, तू कब जाएगा यहाँ से, डंडों से, लात से, घूसों से। फिर उसके बाद जो 41 में है, सामने अनीता शर्मा रहती हैं, आंटी हैं, वो बोल रही थी इसके हाथ तोड़ दे, और वो वीडियो में भी आ रहे हैं, लेकिन इन्हों को मेरे पे रहम नहीं आया, मेरी पत्नी खूब हुंकार मन लगाई, दुहाई दे रही थी छोड़ दो, लेकिन नहीं मारे, इन्होंने बोला कि इसके हाथ तोड़ दो, ईंटों से मारो। तो लोकेश कुमार जो 41 में रहता है, जो कि रेप का एक्यूज़ है, उसका भाई त्रिभुवन एलियास गुड्डू, उन्होंने भी उनके सामने मेरे को धमकी दी कि चमार जाति सूचक बोलकर कि अब तो फैसला कर ले, हाथ तोड़वा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज मैं आई हूँ जहाँ पर, वो न्यू अशोक नगर है, और न्यू अशोक नगर में विमल जाटव जी, जिनके साथ कुछ जाति सूचक बोल करके जाटव समाज के आते हैं वहाँ से, और यहाँ पर जाट गुज्जर भी रहते हैं, और मनुवादी लोग जो उनकी सोच में जातिवाद जहर भरा हुआ है, उसके चलते विमल जी के साथ जो मारपीट हुई थी, आज उन्हीं के पास हम लोग आए हैं। तो ये हमारे साथ विमल जी हैं, जो इनके साथ कुछ जो कुछ भी हुआ है उसी घटना पर इनसे चर्चा करेंगे, और क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रहा वही इनसे जानते हैं। तो विमल जी, आप पेशे से तो वकील हैं और आप यहाँ पर रहते हैं, तो कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं पहले? मैडम, यहाँ 13-14 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मयूर फेस वन में मेरा बर्थ प्लेस है। हम दिल्ली में सदा रहे, लेकिन तब से मैं यहाँ आया, जब से इनको पता चला सामने 41 में पंडित लोग हैं, बरोबर में 32 में गुजर लोग हैं, जो कि दलुपरा के बहुत दबंग है, सबको अपने लटके जोर पर रखते हैं। जब से इनको पता चला कि मैं जाटव समाज से हूँ, तो कई बार शुरू से ही कहते आ रहे, यार तुम यहाँ कहाँ चले गए, दूसरी जगह चले जाओ, अपने समाज में रहो, माहौल गंदा कर रखा है। तब से लेकर आज तक मैं जातिवाद का शिकार होता आ रहा हूँ। कई बार मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी, इनको पैसा देकर, इनके द्वारा जो पैसा भर दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाती है। कई बार तो इन्होंने राज्यपाल जो गुजर हैं, मेरे साथ मारपीट करी, दंगा फसाद करा, जाति सूचक शब्द करे, तो फिर इसने माफ़ीनामा लिख के दे दिया, तब भी इन्होंने, फिर पुलिस वाले ने बोला सर माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, माफ़ कर दो। तब से लेकर आज तक लेकिन इनका रवैया नहीं बदला। ये घटना लगभग 10 सितंबर की है मेरे ख्याल। जी मैडम। तो ये मतलब किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर आपसे मार पिटाई चालू हो गई? मैडम, दो इशू आ रहे हैं जो मेरे सामने ब्राह्मण रहते हैं, जिनका एक लड़का है लोकेश कुमार, जो कि एक रेप केस में अक्यूज है। अच्छा। उसकी जो जिस लड़की है, उसका मैं कंप्लेनेंट का वकील था, उसकी मैंने FIR कराने में मदद करी, केस कराया, तभी से मेरे को इन्होंने ऑफर करा जाति सूचक शब्द बोल के, तुम बीच में क्यों पड़ रहा है, इस केस को छोड़ दो। और इनके जो संबंध गुजरों से हैं, जो कि हमारे पड़ोस में है, दलुपरा में रहते हैं, बहुत दबंग है, गुंडे टाइप के हैं, हमेशा हड़काते रहे कैसे पीछे हट जाओ, जाति सूचक तुम अपने समाज में क्यों नहीं जाते, ये शब्द का शिकार करते आ रहे हैं। और इसी वजह से ये हर हफ्ते जब भी आता किराया लेने, रोज की तो शराब पीते हैं इनके घर में जाकर और मीटिंग करते हैं, और हर 30 से 14 दिन गली में आकर घर के सामने जाति सूचक शब्द बोल कर कि कब घर खाली करेगा, तू कब जाएगा यहाँ से। उस 10 तारीख का भी यही चीज़ हो रही थी, तब मैंने इनसे बोला कि अब मैं 100 नंबर पर फ़ोन करूँगा, तब ये ऊपर आ गए। तो जीने पे जैसे ही ऊपर आए मेरे आंगन में, जो जीना था कॉरिडोर जहाँ से आप आए हो, वहाँ पर ये इनके दोनों लड़के, जिनके हाथ में बिजली का तार था, मुझे तो पता भी नहीं था, इन्होंने मेरी गर्दन दबा ली तार से। जब मैंने देखा तो मेरी गर्दन से ब्लड होने लगा। सर ये अभी आज 21-22 दिन हो गए हैं। देखिए कि यही ये सब हुआ है, ये देखिए गर्दन पे आप निशान देख रहे हैं, ये इस
तार से दबाई गई थी इनकी गर्दन, जो बता रहे हैं अभी इंसिडेंट। और बोलने लगा इनका जो लड़का है सनी डेढ़ा कि मेरा नाम संजय एडवोकेट है, मैंने तेरे लिए ही वकालत की है, तेरी वकालत छोड़ने के लिए। अच्छा। उसके बाद मेरी पत्नी आई कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने, इनके हाथ में डंडा था, हमें तो बाद में पता चला कि उसमें कुछ लोहे का कुछ लगा हुआ था पलटा टाइप का, तो मेरी पत्नी को भी मारा पीटा, हाथ टूट गया इनका, और फिर मुझे जीने से ही मारते हुए मेरे घर के सामने पीटा डंडों से, लात से, घूसों से। फिर उसके बाद जो 41 में है सामने अनीता शर्मा रहती हैं, आंटी हैं, वो बोल रही थी इसके हाथ तोड़ दे, और वो वीडियो में भी आ रहे हैं, लेकिन इनों को मेरे पे रहम नहीं आया। मेरी पत्नी खूब हुंकार मर लगाई, दुहाई दे रही थी छोड़ दो, लेकिन नहीं मारे इन्होंने, बोला कि इसके हाथ तोड़ दो, ईंटों से मारो। खूब इन्होंने जब तोड़ लिए मेरे हाथ, फिर उसके बाद किसी ने ये भाग्यवश वीडियो बना ली है चोरी छिपते हुए, फिर बाद में उसको वीडियो रोक दी गई, उसका पीछा करा, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद ही इसके भाई और अजय पाल और 4-6 लोग आए गुजर, उन्होंने फिर मेरे को मारा पीटा, और फिर उसके बाद ये सामने ही 41 में अंदर चले गए हैं। उसके बाद निकल के गए, जब मेरी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में फोन करा तब तक नहीं आए, 1-1.5 घंटे तक। क्या पुलिस उस टाइम पे आ गई थी? नहीं मैडम, 1-1.5 घंटे तक नहीं आई, और हम पर गली में खड़े हुए, पूरी गली खड़ी थी, दबाव बनाया जा रहा, बोल घर खाली करेगा नहीं करेगा, जाति सूचक बोलकर। तब हमने इनसे बोला ठीक है हम घर खाली कर देंगे, तब जाके ये गए। जब पुलिस आई उसके बाद हमें ले गई, इनको भी ले गई, लेकिन पुलिस के सामने भी इनका वही दबंग बना कि तुम किनके साथ क्यों दे रहे हो, इनको कोई चोट नहीं लगी, हमें चोट पुलिस लगी के है। सामने भी इनकी दबंग गई इसी तरीके से? हाँ जी, 100 नंबर की गाड़ी थी। मेरी मिसेस को बोला इसे कहाँ ले जा रहे हो, इसको कुछ नहीं लगा। तो हमारे हाथ टूटे हुए थे, हम जैसे तैसे पुलिस वाले हमें लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मेरी पत्नी को उन जो डॉक्टर साहब के रूम में भी खूब धमकाया जा रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से बोला जहाँ MLC होती है, सर देखो मैं जाट अब चमार हूँ, अभी भी आपके सामने ऐसे बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे हम क्या करें, आप इलाज कराने आए हो, लड़ने आए हो। मैडम वहाँ भी हमारी कुछ नहीं हुई सुनवाई, जैसे तैसे MLC हुई, और हमसे पहले इनका फिर एक्सरे रूम में भेजा, वहाँ हमारे पीछे लगे हुए तीनों चारों लोग, वहाँ CCTV कैमरा आई है, लेकिन कुछ नहीं सुनाई, खूब धमकाते रहे कि अभी तेरे पैर भी तोड़ेंगे, हाथ भी तोड़ेंगे। अच्छा। पूरा जाति सूचक शब्द मेरी मिसिस को इतने गंदे गंदे में बोल रहा था, मैं कह नहीं सकता कि डंडा क्या क्या करेंगे, ऐसी ऐसी चीज मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, ये आपने बताया कि आपकी कोई केस लड़ रहे थे रेप केस, तो उसके चलते इन लोगों ने आप पे दबाव बनाया? मैं जी वो तो बना ही रहे थे, लेकिन मेन चीज थी जातिवाद का आ रहा है कि तुम अपने समाज में क्यों नहीं जाते। वो केस अगर आप लड़ रहे हैं तो उससे इनका क्या कनेक्शन है? क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ। हाँ। उस लड़की का मैंने साथ दिया। हाँ। तो इनको ये चाहते कि आप पड़ोसी होकर हमारा साथ क्यों नहीं देते। तो उसका इसमें क्या है, इनके उस केस में इनका कुछ इन्वॉल्वेशन है जो ये छुपाने के लिए या आपको दबाने के लिए इस पे कोशिश कर रहे हैं? उस केस से के बाद इन्होंने मेरे घर पे कई बार हमला करा। मैंने इसके SHO साहब को भी शिकायत दी, माननीय कोर्ट में भी मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन तब भी पीछे नहीं हट रहे, बहुत दबंग टाइप के हैं। तो ये जो थाना है और पुलिस है, SHO है, यहाँ पर जब आपके साथ इतना कुछ हुआ तो ये FIR दर्ज हुई। सबसे पहले तो SC ST एक्ट में आपकी कंप्लेन लिखी जानी थी, वो हुई क्या? मैडम इन्होंने उसी दिन जब हमारा MLC हुआ, कोई यादव जो IO है नवदीप यादव, वो उन्होंने घर पे आए, पहले हमें पुलिस स्टेशन में बुलाने लगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी जिन्होंने हमें पीटा था नकली अपने हाथ में प्लास्टर बांध कर पुलिस वाले के सामने बोलने लगे होंगे, जो भी कुछ हुआ वो थाने में मौजूद थे, लेकिन मेरे घर पे आकर रात को कहने लगे आप एप्लीकेशन लिख दो कि आपको मारा पीटा। हमने कि सर हमें SC ST एक्ट भी लगाना, क्योंकि हमें जाति सोचे सद बोलते हैं, तो कहने लगे आप लिख के दो। मैंने कहा मैं अपने टूटे हाथों से कैसे लिखूंगा। तो उसके बाद वो चले गए। तब मेरे एडवोकेट भाई लोगों का, समाज का जब इन पर दबाव आया, तब जाके इन्होंने थोड़ी बहुत सुनवाई करी है। तब मैं हॉस्पिटल में था, 12 तारीख को बिना मेरी मर्जी के इन्होंने अपने आप ही एक FIR लॉज कर दी, जिसमें 323, 341 अंडर सेक्शन 32
सिर्फ सिंपल मार धाड़ में केस रजिस्टर कर दिया। धाराएं भी मतलब इनके ऊपर मारपीट की जी कुछ नहीं। तो ये मतलब केस ऐसा बना दिया गया कि पड़ोसियों का लड़ाई झगड़े टाइप। जी 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 बस। फिर उसके बाद हमारे समाज के लोग लगे, मेरे वकील भाई लोग साथ में लगे, तब जाके SHO साहब आए तो कहने लगे, आश्वासन दिया कि आपको SC ST केस लगा दिया जाएगा और आपको 307वीं धारा लगा दी गई है उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया 4 सीट में। जबकि ये जो है आपका गला दबाने की पूरी कोशिश की है, पूरा मारने की कोशिश की, वो धारा इनके ऊपर लगी क्या? कह रहे हैं लगा दी गई है, लेकिन मैडम मैं आपको उसकी कॉपी दी है, कॉपी तो FIR की सिर्फ वही है 323 की, लेकिन उसमें 4 सीट में ऐड कर देते हैं तो उसमें 4 सीट में आती है वो। 4 सीट लगी है इनके ऊपर। हाँ बता रहे हैं जी। तो मतलब ये मतलब जो हुआ है इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर जब गली मोहल्ले में हो रहा था तो क्या कोई यहाँ से पड़ोसी नहीं आए कि आपको बचाएं, बीच बचाव करें, कोई भी खड़ा नहीं हुआ? ये इतने दबंग है, पड़ोसी को भी कहते हैं जी जब तुम्हें नहीं छोड़ा हमें कैसे छोड़ेंगे, हमें भी मार देते। पूरी गली भरी हुई थी, किसी ने नहीं बचाया, कहने लगे जी है तो हमें भी मार देंगे, ये लगा लीजिए कि सभी ने अपना अपना कैमरा मतलब तक। इतनी गुंडाही चल जी रही है, बहुत ज्यादा। कोई इनके डर से मतलब बोलने भी नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। बाद में उन्होंने बताया देखो जी आपको पीटा, हमारे भी धमकी दे के गए थे कि कोई सामने नहीं आएगा, वरना एक बार अभी इनका नंबर है, दूसरा तुम्हारा आएगा, तीसरा भी तुम्हारा नंबर आएगा। ऐसे ऐसे पड़ोसी को भी धमका दिया गया, कोई साथ में नहीं देता। तो पुलिस इस पर कुछ भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है? वो कह रहे हैं दबिश दी जा रही है, लेकिन जो और घूम रहे हैं डंडा लेकर आए हैं, हमने नाम दिया, फोटो दिए, वीडियो दी, और वो हमें घर पे आके 2 बार धमका के गए फैसला कर लो, लेकिन पुलिस हमने बता रहे हैं सामने DVR था, इन्होंने करवाया, हमने नाम लिखा, उनको भी अरेस्ट नहीं करा। कहने लगे ये तो छोटे मोटे मुलजिम हैं, उनको बाद में करेंगे, पहले मेन अक्यूज को अरेस्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब अभी इतनी दबंगई इन लोगों की चल रही है, उस पर ना FIR हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो मैं अभी ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी आपके साथ मारपीट की गई है, ये जो हाथों में, अभी क्या डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं? मैडम डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपका जो दोनों हाथ की है ना, इसमें सर्जरी 2 बार हो, 1 बार हो चुकी है, और उन्होंने बोला कि इसमें आपके शरीर से दोबारा होएगी, हड्डी ली जाएगी, पस पड़ गया बहुत ज़्यादा, 15-16 दिन से सुखाया जा रहा था, ड्रेनिंग लगाया गया था, ब्लड बहुत बह गया था, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, अब उसके बाद दोबारा ऑपरेशन होगा, मेरी शरीर से हड्डी ली जाएगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि समझा दिया गया मुझे कि आपका जो हाथ है 40% काम करे या 50% काम करे, इतना हो सकता है, ऑर्थोरेटिक्स हमेशा रहेगा क्योंकि जॉइंट आपका सारे टूट गए हैं टुकड़े टुकड़े में, अब आपका जॉइंट हम बनाया जाएगा, लेकिन काम करे ना करे वो भगवान के हाथ में है। ये इतनी मार पिटाई होने के बाद यहाँ पर इनकी गुंडई के चलते अगर वो धाराएं बता रहे हैं तो किसी की अरेस्टिंग हुई है यहाँ पे? मैडम एक की अरेस्टिंग हुई क्या, शायद उन्होंने ही करवाई होगी कि जब दबाव आ रहा, जिसका नाम सनी डेडा है, बाकी जो अपने को एडवोकेट संजय डेडा है, संजय कुमार, वो भी, राजपाल, अजय पाल और जो हैं ये सब भागे हुए हैं, इवन पड़ोस में किराया लेने तक लोग जा रहे हैं, किराया भी वसूल कर रहे हैं, दूसरी जगह इनका मकान बन रहा 200-250 गज का, वहाँ पर भी काम वसूल कर रहे हैं ये लोग, ये पड़ोस में ये रहते नहीं है, इनका मकान है किराए का। अच्छा। उसमें कम से कम 25-30 कमरे हैं, और यहीं न्यू अशोक नगर में बराबर 200-250 गज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम इनका कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा। दलुपरा में रह रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रहे हैं हम दबिश दी जा रही है, पकड़ में नहीं आ रहे। अच्छा, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ये मतलब सारी वीडियो सबूत देखने के बाद, आपकी इतनी इंजरी हो गई उसके बाद भी पुलिस को सबूत नहीं मिल पा रहे हैं? जी कह रहे हैं कि सामने वाले का DVR दिखाओ, इन्होंने मीटिंग करी थी घर में आते जाते दिखाओ तब हम अरेस्ट करेंगे। जबकि जब मैं हॉस्पिटल से आया था तो लोकेश कुमार जो 41 में रहता है, जो कि रेप का एक्यूज है, उसका भाई त्रिभुवन एलियास गुड्डू, उन्होंने भी उनके सामने मेरे को धमकी दी कि चमार जाति सूचक बोलकर कि अब तो फैसला कर ले, हाथ तोड़वा दिया, और ये भी रहे, हाथ जी दिया, जी कर ले। और मैंने ये SCP साहब को बोली, कहने लगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई वीडियो दो, ये तो किसी ने बना ली, मैं कहाँ तक वीडियो टूटे हाथों से बनाता रहूं।
तो आपकी मिसेस के साथ भी मतलब ये इंजरी हुई है? और मैडम इतनी गंदी गंदी गाली गलौज की है, हम बोल नहीं सकते। एसीपी साहब को हमने कैमरा ऑन प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड करा लिया। सीसीटीवी लगा हुआ है क्या इस गली में? जिन्होंने लगा हुआ था हटा लिया गया, उन्होंने सामने लोगों ने हटा दिया। जी जी जी, इनका इतना दबंग है, इतनी गुंडागर्दी है कि इनके डर का आगे कोई बोल नहीं पा रहा। पुलिस भी डरती है इनों से, पुलिस भी डर रही जी, है उनको नहीं पकड़ रहे, दुकान खोल के बैठे हैं वो सब। अच्छा, यही अच्छा, अभी ये जो इंसिडेंट 10 तारीख का था, अब से अब तक 22 दिन, हाँ 21-22 दिन आपको हो गए हैं, तब से अब तक क्या पुलिस ने क्या कहा, और कुछ इनकी अरेस्टिंग हुई, कुछ धाराएं लगी या नहीं लगी, या कोई आपको किसी भी तरीके की धमकी भी दी जा रही है क्या? धमकी तो मैडम हमने बता रखी है, कंटिन्यू हमें दबाव बना हुआ है, लेकिन डर डर के हम रह रहे हैं। पुलिस वाले बता रहे हैं, SHO साहब भी, कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन से सब चलता नहीं है। जब तक ये बाहर रहेंगे, भागे रहेंगे, आश्वासन दिया जा रहा है मगर अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट नहीं हो रही मैडम। और जबकि ये घूम रहे हैं यहीं, इनको बताया तो इनके IO साहब बोलते हैं, जो पुलिस वाले थे, आपने बताया क्यों नहीं, हम पकड़ लेते। अच्छा, बताइए सर, मेरे तो पैर इतना सब कुछ दिखाने और बताने के बाद भी बोल रहे हैं बताया क्यों नहीं, पकड़ लेते जी, और सामने भी रह रहे हैं मेरे ख्याल, आपने अभी हाँ बताया। जी, सामने दो रह रहे हैं जो, लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई। इनके पास फोन आता है तो अभी ये देखिए, मैम का हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो इनकी मिसिस के साथ इंजरी हुई है, जो हाथ पर मारा गया है, वो आप ये हाथ देख सकते हैं, ये इनकी मिसेज है, उनका एक हाथ जो है इस पूरा प्लास्टर हो रखा है बुरी तरह से, उस पर भी लोहे की रॉड से जो है मारा गया है। सोचिए, एक पुरुष जो इस समाज से आता है, जो वकील है, सोचिए इन दबंगों को इतना भी डर नहीं है कि जो वकालत कर रहे हैं, वकील हैं जो पेशे से, उनके साथ भी यहाँ पर मारपीट हो जा रही है। और आप ये देखिए, ये न्यू अशोक नगर वही है जहाँ इतनी दबंगई इनकी चल रही है, SHO पुलिस वाले भी इनके सामने पानी भरते नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, जाति का जहर कितना भर दिया गया है, किस तरीके का राम राज्य लाया जा रहा है, और जो मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि घर घर विकास पहुंच रहा है, तो वो शायद यही विकास है जो आज आप इनकी हालत देख सकते हैं, किस तरीके से दोनों हाथों से इनको मोहताज कर दिया गया है। जो एक व्यक्ति अच्छा खासा अपने पेशे से वकील है, खाता था, पहनता था, सफ़ेद कमीज कैसे पहन रहा है, अच्छे घर में कैसे रह रहा है, इनको ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। सोचिए, जाति का जहर कितना है, जिस तरीके से जाति का जहर भरा गया है, और ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, संघी लोग हैं, ये सोचिए किस तरीके से प्रशासन में इनकी पैठ है कि पुलिस और SHO जो है वो इनके सामने पानी भर रही है। यहाँ पर CCTV फुटेज जो दिखाई जा सकती थी, CCTV कैमरा है, वो हटा दिया गया है इनके द्वारा। सोचिए कितनी दबंगई है। तो एक परिवार किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि एक घर की स्त्री, उसके साथ भी मारपीट करके हाथ तोड़ दिया गया है, और ये इस तरीके से अपाहिज बनाने के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो खुले ऐश से घूम रहे हैं, दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, किराया वसूलने आते हैं, लेकिन पुलिस दबिश कर रही है, पुलिस इनको सांत्वना दे रही है। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जातिवादी गुंडे किस तरीके से पैठ बनाकर यहाँ पर, किस तरीके से समाज के जो लोग हैं जाति सूचक, उनको गालियाँ दी जाती हैं, और उनको ये तक बोला जाता है कि आप यहाँ रहने लायक नहीं हैं, आप चमारों की बस्ती में जाइए। सोचिए ये लोग कौन हैं, कौन है ये लोग, और कैसे इनके साथ जो है प्रशासन इनका साथ दे रहा है, क्या प्रशासन वाकई में इनके साथ मिला हुआ है, क्या पुलिस इनके साथ मिली हुई है, क्या इनको वाकई में ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। जो इस तरीके का यहाँ पर माहौल आपको मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर इनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप ये वही घर है जो, और सामने जो अभी इन्होंने बताया कि इन्हीं के घर के सामने यहाँ पर रहते हैं कुछ लोग, ये सामने से अभी मैं दिखा नहीं, सही से नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी हम जहाँ आए हैं तो वो यही घर है, यही घर है जो यहाँ पर नीचे मारपीट इनके साथ की गई थी, और इसी नीचे यहाँ पर ये सीढ़ियों पर ही इनके गले को तार से दबा दिया गया। सोचिए, पूरा मारने की, जान से मारने की कोशिश की गई, और वो गुंडे खुले घूम रहे हैं। तो और सोचिए, डॉक्टर
कह रहे हैं कि इनके हाथ जो है अब काम जो करेंगे वो 50% काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सोचिए एक अच्छा खासा इंसान जो खा रहा है, पहन रहा है, अपने अपने पेशा से वकील हैं और लोगों की मदद करते हैं, अगर ऐसे केस को वो देख रहे हैं तो कैसे दबंगई गुंडे उनको दबाने की कोशिश करते हैं, कैसे उनके हाथों पर वार करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, जान से मारने तक की कोशिश की गई है, आप देखिए, और उन पर धाराएं लगती हैं सिंपल सी, और पुलिस प्रशासन चुप होकर ये सब तमाशा देख रहा है। तो आप देखिए कि संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, दिल्ली।